नमस्कार, मैं रेनू अग्रवाल, आप देख रहे हैं एसकेपी लाइव न्यूज। धार जिले के लिए राहत भरी खबर, शकुन भरी खबर। आपको बता दें कि धार के कोविड 19 केयर सेंटर से आज कोरोना के 5 पॉजिटिव मरीज नेगेटिव होकर डिस्चार्ज होकर ठीक होकर घर जा चुके हैं। आपको बता दें कि इन्हें ससम्मान धार कलेक्टर आलोक कुमार सिंह के द्वारा सभी को बूके व मेडिकल किट दी गई। इनके मनोबल को बढ़ाया गया और इन 5 लोगों को ससम्मान विदा किया गया। अब आपको बता दें कि अब धार शहर में नहीं, धार जिले में 130 लोग स्वस्थ होकर घर जा चुके हैं। केवल अब धार जिले में 8 एक्टिव केस बचे हैं। वही धार जिले का रिकवरी रेट जो है वो 93% है, जो बहुत ही अच्छा है। अब आपको ये बता दें कि 143 कोरोना पॉजिटिव थे, जिसमें से 130 स्वस्थ होकर जा चुके हैं। 5 लोगों की मौत हुई है। वही धार जिले के लिए सबसे अच्छी बात यह है कि धार के बौद्ध चिकित्सालय में कोरोना के टेस्ट लैब स्टार्ट हो गई है। देखें खबर एसकेपी लाइव न्यूज़ पर, राहत भरी खबर, शकुन भरी खबर, गुड न्यूज़। और कितना अच्छा मेडिकल स्टाफ है। नहीं, डॉक्टर्स ने अच्छा प्रयास किया और धार जिले में शुरू से ही रिकवरी का रेट बहुत अच्छा रहा है। 93% तक की यहाँ पे रिकवरी हुई है, जो प्रदेश में एक तरह से सबसे अच्छी की कैटेगरी में है। आज 5 लोग रिलीज हो रहे हैं, यहाँ पे केवल 6 लोग और शेष बच रहे हैं। इसके अलावा इंदौर में हमारे 2 पेशेंट हैं। हमारा एक जो बगल का सेंटर है NLRM का, वो सेंटर भी हमारा तैयार है और हॉस्पिटल में भी हमारे जो ऑक्सीजन बेड्स और बाकी चीज़ों की तैयारियाँ थी, सभी तैयारियाँ हमने की हैं। और आगे इससे लड़ने के लिए, जो पहले भी मैंने कहा था कि अर्ली ट्रेसिंग सबसे इम्पॉर्टेंट है। जैसे ही अगर हमें मरीज का सही समय पे पता चल जाता है, आप देख रहे होंगे कि ये मरीज जो बहुत जल्दी ट्रेस हो गए थे, ये सिम्प्टोमेटिक थे और सभी स्वस्थ होकर यहाँ से लौट रहे हैं। मेरा प्रेस मीडिया के माध्यम से लोगों से अनुरोध है कि वो छुपाएं नहीं, जितने जल्दी हमारे सामने आएगा इसमें सबसे कम रिस्क है और जितना ही लेट होता है उतना ज़्यादा इसमें रिस्क होता है। तो जान बचाना हमारी सबसे बड़ी प्राथमिकता है और उसके लिए अर्ली ट्रेसिंग इम्पॉर्टेंट है। अभी तक धार में भी लैब टेस्टिंग की शुरुआत हो गई है, अभी तक कितने पेशेंट जो है टेस्टिंग हुआ करेंगे? ये अच्छी चीज़ है कि हम 40-50 तक टेस्टिंग कर पा रहे थे और जो गवर्नमेंट के नाम्स हैं जो बाकी जिलों में हो रहे थे, उससे हम थोड़ा पिछड़े हुए थे। CMHO साहब ने काफ़ी प्रयास करके ग्रामीण क्षेत्रों में भी पर डे लगभग 80-90 का एक रेंज बनाया है, जिससे जिले का एवरेज हो सके। जो हमारी मशीन है वो 50 की क्षमता पे है, लेकिन अभी 25-30 टेस्टिंग उसमें चूँकि 2-3 दिन से शुरू हुआ है, इसको बढ़ाते हुए हम उसकी जो पूरी क्षमता है उस पर ले आएंगे। और ग्रामीण क्षेत्रों में जो हमारा नया सर्वे शुरू हुआ है, इसके अलावा हमारे 33 जो फीवर सेंटर बने हुए हैं, उन सेंटर